भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा के गांव शमशीपुर पहुंची। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने लाभार्थियों को पेंशन के कागजात वितरित किए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन भी बांटे। वहीं विधायक ने मिड डे मील के खाने को भी चेक किया और खुद अपने शुगर की जांच भी करवाई। साथ ही लाभार्थियों ने इस मौके पर पहुंचकर योजनाओं का लाभ भी उठाया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ली। मैंने बहुत देखा है, पहले मेरा कार्ड नहीं बना, अब मेरा कार्ड यहाँ आया, मैंने कागज दिए, यहाँ फटाफट काम बन गया, मेरा बीपीएल कार्ड बन गया। पहले नहीं बना था? पहले नहीं बना था बिल्कुल। कितने धक्के खाए हुए आपने? बहुत जगह धक्के खाए, कहीं नहीं बना, अब यहाँ मैंने कागज दिए, यहाँ फटाफट बन गया मेरा बीपीएल। हाँ, खुश है। क्या नाम है आपका? गुरमेश सिंह। पहले पहले ये भी मिले, पहले नहीं था। पहले तो मैं बहू के साथ बनाऊ थी। अच्छा, कभी दरवाजा बैठ दिया, कभी खोल दिया। अच्छा, ये जरूरत पड़ी थी ना भाई, ने दुआया मेरे को। क्या बनाएगी फिर आज गैस चूल्हा पे? पहले बोल के खाओगे यही बना दूंगी। क्या बनाएगी फिर भी? मीठे चावल बनाए कर बुढ़िया। अच्छा, तो अभी चाप पकौड़े बना दूंगी। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि गरीब आदमी को किस प्रकार से हर चीज की बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे मैं कहूँगा उनका बीपीएल परिवार का कोई बेनिफिट है, सभी योजनाओं का फायदा होना चाहिए। इसके लिए हम इसलिए बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये पूरी ये प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे हम बताते हैं, जिनको नहीं मिले उनका हम यहाँ पर मौके पर उनको दिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रस्ताव बड़ा बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत बड़ा एक कार्य किया जा रहा है। और साथ में एक वीडियो हमारी आई हुई है, हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प, तो उसके लिए 2047 तक हम क्या करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरी वीडियो दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये पूरे हर गाँव के अंदर डिले है। आप देखिए, रात को हमने इनको मैसेज दिया है, रात को मैसेज क्या होगा 9 बजे और सुबह देखो प्रदर्शनी भी लगी है, टेंट भी लग गया है और यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मिड डे मील की आपने क्वालिटी भी चेक की, बकायदा अपनी शुगर भी चेक कराई, स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं इसलिए चेक कराता हूँ, मिड डे मील से चेक किया इसी प्रकार से, क्योंकि किस प्रकार का भोजन हमारे नम के बच्चों को मिलता है तो हमें वो चेक करना चाहिए समय समय पर। हमें मिड डे मील भी जाना चाहिए, स्कूलों में भी जाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए उस प्रकार से। इसी प्रकार से मैंने अपनी शुगर टेस्ट कराई, क्या शुगर टेस्ट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको पूरा गाइड कर रहा है, क्योंकि मैं डेली चेक करता हूँ। मैं तो नॉर्मल हूँ लेकिन मैं डेली चेक करता हूँ यहाँ के कराई कि ठीक है ना, गाँव वालों को स्वास्थ्य की ठीक सुविधा मिल रही है। अभी जिस प्रकार से आयुष के द्वारा यहाँ पर खांसी की दवाई दी जा रही है, बहुत सी दवाइयाँ लाई हुई हैं, तो हर प्रकार के आप हो रहा है, टोटल काउंटर लगे हुए हैं। पशु मैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से लगाया कि किस प्रकार से हमारे SC बरादरी के लोग हैं उनको 50% अगर पशु लेता है 1,60,000 का लोन है, 80,000 की सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है और जनरल के लिए 25% की सब्सिडी है। तो हर चीज़ हम यहाँ पर बता के जाते हैं लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी हमारे नम क्या कार्यक्रम है उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, लोग उसके बाद ज़्यादा बेनिफिट। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाते हुए सेहत की भी जांच करवाई, साथ ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।